لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حسن. هلو السلام عليكم جايز, ميرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہو قاسم شکیل فلوگز. فتلك مظاهر. तो हाँ यार, अभी हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा बछड़ा खड़ा है यार, चेक करो यार, बस अब कुछ ही लम्हे रह गए हैं, इसको हम गिरा देंगे फिर ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा. और इसको पता है यार, इसको भी पता चल गया भाई मैं कुर्बान होने वाला हूँ, और रात से ज़रा तंग भी कर रहा है, तो बस अब ये चीज़ हमारी चली जाएगी अल्लाह के पास. हम लाए इसलिए हैं कि अल्लाह के पास, पर खैर है, अगले साल हम इससे भी अच्छी चीज़ लाएंगे इंशाल्लाह. पर इसको याद ज़रूर करेंगे हम लोग. ये जो व्लॉग्स बन रही है बस एक मेमोरी बन रही है. तो आज के व्लॉग में भाईजान बोलना मैंने कम है, आपको नज़र मैं ज़्यादा हूँगा क्योंकि भाई काम भी बहुत ज़्यादा है, मैंने अकेले ने काम करने हैं. तो बस इसको करेंगे, अभी टाइम है बहुत, थोड़ा सा टाइम है बस, अभी ये थोड़ी देर की मेहमान है, बस थोड़ी देर के मेहमान है. तो बस ऐसा ये नमाज पढ़ के आते हैं, तो उससे आते हैं. आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक. और अभी भी हमारे बबलू साहब ऐसे ही खड़े हैं, इनका नाम आपको पता था, ब्लॉग में अपने निकलता था बबलू कहा था हमने इसका नाम, तो कुछ ऐसा लग रहा है इस टाइम. अभी अपने आप को ना बड़ा उदास फील कर रहा है ना, इसका जो दूसरा वाला पार्टनर था वो ज़िबा हो चुका है, वो अब भी रह चुका है बस. तो हाँ, अभी थोड़ी देर बाद इसको भी रह देंगे. तो अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ ऊपर, नाश्ता नुश्ता करता हूँ. दिल बड़ा अजीब सा हुआ है यार, आज इसको कुर्बान करना है. वैसे हम बकरे वगैरह करते थे ना, तो उस टाइम नहीं होता, तो उस टाइम करते थे ठीक है कर दें. पर इसको बड़ा शौक से लेके आए थे, जा रहा है. ओके गाइस, फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको, ठीक है. अभी बहुत बुरा हालात हो रही है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और दस वीडियो वगैरह आती रहेंगी. तो बस ठीक है, आपको एक दो आधी कुर्बानीज भी दिखाता हूँ अभी ना होने वाली हैं, तो शरोज भाई की वगैरह की ना, तो उनका बेटा दो हैं, तो आपको दिखाऊंगा एक की ना. बस ओके यार, आज मुश्किल है बात करना बहुत यार. अब हमारा बेटा जा रहा है, देखो रस्सी बन चुकी है, अब जो भी मैं चुप करके देखते हैं, अब रस्सी बन रही है, बड़ा दुख हो रहा है, अभी जा रहा है. तो चलो देखते हैं अभी जा रहे हैं. फाइनली गाय वगैरह का गोश बन चुका है, और हम लोगों ने गाय का ज़िबा सारा कर दिया था, और इस दफ़ा मैंने खुद अपने हाथों से गाय का गोश भी बनाया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया. तो हाँ, आज के व्लॉग करते हैं इधर ही एंड. अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और व्लॉग के अंदर. बाय.